मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है ट्यूसडे और अभी कुछ देर पहले आर्यन गए हैं स्कूल और अभी से शुरू होता है मेरा दिन। एक्चुअली काम काज, खाना पीना सब कुछ, पूजा भी आ चुकी है और अभी उसे मैं बर्तन निकालने में थोड़ा सा हेल्प कर दूँ। ऑस्कर गए हैं वर्क पे और ऑस्कर जब वर्क पे जाते हैं तो उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम वो घर मॉपिंग का जो काम है वो पूजा कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना भौंकता है वो पूजा को देख के, और क्या बोलूँ, तो इसलिए वो करे और उसे मैं अभी बर्तन निकालने में थोड़ा सा हेल्प कर दूँ और फिर मुझे करना है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद काम, और क्या काम। ओह, कमल भी ठीक नहीं किया तो इसे पहले कर देते हैं। एवरीडे का मेरा सेम ही ब्रेकफास्ट रहता है, कॉर्नफ्लावर एंड मिल्क। तो आज का मिल्क देखिए, ये मिल्क मैं एक्चुअली इसे गर्म करने के लिए बिठा के मैं भूल गई कि मैं गैस पे दूध गर्म करने के लिए दिया है, तो ये बिल्कुल राबड़ी बन चुका है। चारों तरफ जो लग गया था ना उसे मैंने ऐसे निकाल ली और उसके बाद देखिए बिल्कुल राबड़ी बन चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स के साथ खा लूँगी। ब्रेकफास्ट लेके मैं इस रूम में आ गई क्योंकि वहाँ पे अगर मैं बात करती ना तो एक भी बात मैं आपके साथ कर नहीं पाती क्योंकि बर्तन का बहुत ज़्यादा आवाज़ होते हैं, तो यहाँ पर भी आवाज़ थोड़ा बहुत आएगा। जी, जब हम बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसके बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है ना। थोड़ा सा फिनेंस को लेकर मैंने आपके साथ बात की थी जो कि मेरे लाइफ में घटा था, मुझे बहुत दुख पहुँचा। तो उस वीडियो में किसी ने मुझे कॉमेंट किया था कि शोमरी दी वो लकी है कि उनको ऐसे पैसे मिल गए, पर वो इस चीज़ को समझे नहीं। पर कुछ दिन पहले मेरा भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पे मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी थी कुछ पैसों की, कुछ ऐसे फिनेंस की, तो वहाँ पे मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं था। सो गाइस, रियली इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि हमारे लाइफ में मतलब बहुत संभाल के शायद हम चलते हैं, उसके बावजूद भी कुछ टाइम ऐसा हो जाता है, चाहे मेडिकल कोई इशू हो या कुछ मैरिज वगैरह या मतलब कुछ भी हो, कभी कभार किसी की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। तो उस टाइम के लिए किसी का अगर हेल्प ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। रिलेटिव समझ के या अच्छे दोस्त समझ के मांग लेते हैं पर उनको नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मांगने से शर्माते हैं कि मांगू अगर नहीं देते तो थोड़ा सा ऐसे रिलेशन में दरार आ जाते हैं, तो ऐसे हमें शर्म भी आती है कभी कभार। सो गाइस, ऐसे छोटे मोटे जरूरत के लिए एक कंपनी है जो कि एक फिनेंस कंपनी है और उसका नाम है एविल फिनेंस, जो इनका ऐप भी आता है। तो इस ऐप के थ्रू आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं और जस्ट कुछ ही मिनटों के अंदर आपको कैश में लोन मिल जाएगा, पर छोटे छोटे अमाउंट ऑब्वियसली, और कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको लोन मिल सकता है और ये बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। आपके छोटे मोटे जो जरूरतें हैं वो भी आप पूरा कर पाएंगे और ये जो लोन का अमाउंट है ना, ये जब टाइम के अंदर आप उनको क्लियर कर देंगे तो वो उसके बाद जब आपके ऊपर कंपनी को ट्रस्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप उससे भी बड़ा अमाउंट लोन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये एक फाइनेंस कंपनी है जो हमेशा छोटे मोटे जरूरत के लिए हमें लोन देते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं क्योंकि
जिंदगी में कुछ कहा नहीं जा सकता कब आपको किस चीज की जरूरत पड़ जाए, और हमेशा हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बिल्कुल फाइनेंशियली तैयार रहे ऐसा भी नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका और एक साइड है जो कि मैं आपको बोलना बहुत पसंद करूंगी, जो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है क्योंकि मैं उस ऐप को यूज करती हूँ इस चीज के लिए। यहाँ पे आप अपने छोटे छोटे अमाउंट सेव भी कर सकते, तो यहाँ पे सेविंग कर करके आप वो छोटे छोटे अमाउंट का एक बड़ा सा अमाउंट बना सकते। तो मैं जो मंथली मेरा जो छोटे छोटे जो पैसे बच जाते हैं वो मैं इस ऐप में इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हर कोई औरत को, हर किसी को छोटे छोटे अमाउंट, मतलब पॉकेट मनी के हिसाब से नहीं, एक पॉकेट मनी हम सेव कर सकते हैं बाद में बड़ा कुछ करने के लिए। सपोज मुझे अगर किसी भी चीज के लिए, मेरे फैमिली को बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, अगर कभी गिफ्ट देने की जरूरत पड़े तो उस टाइम में मैं अगर बड़ा अमाउंट अगर उठाऊंगी या बड़ा अमाउंट के कुछ बात करूंगी तो मिथुन को पता चल जाएगा। पर मिथुन का अगर कुछ मैं मतलब गिफ्ट देना चाहूँ तो उस टाइम में अगर वहां से मैं पैसे उठा लूंगी, जो कि मिथुन को पता भी नहीं चला कि वहां पे मैं छोटे छोटे अमाउंट अभी इकट्ठा कर रही हूँ, तो अचानक से मिथुन को अगर सामने लाके एक गिफ्ट दूँ तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैं उस ऐप को यूज कर रही हूँ और वहां पे मैं अपने छोटे छोटे अमाउंट को सेव कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी, अगर आपको भी अगर लगता है कि घर में पैसे रहना ठीक नहीं है, थोड़ा सा चांस रहता है कि चोरी वोरी ना हो जाए, फिर कभी कभी चावल के डब्बे में, कभी कभी दाल के डब्बे में, पहले जमाने में जो पैसे सेविंग्स होता था ना वो कभी कभी पकड़ा जाता था, क्योंकि वो चावल के डब्बे आपके घर के और भी मेंबर यूज कर सकते हैं तो पकड़ा जाता था, अरे यहाँ पे मिल गया पैसे। तो आप जो सरप्राइज गिफ्ट के लिए किसी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को तो पता चल ही गया। तो इसलिए सबसे छुपा के किसी को सरप्राइज देने के लिए या तो फैमिली का ही कोई जरूरत में काम आने के लिए आप इस अमाउंट को एक अलग तरीके से अलग जगह पे सेव कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अगर हम कैश सेविंग्स करते हैं किसी एक पिगी बैंक या ऐसा कुछ जगह पे, तो हमेशा सोचते हैं कि एक अरे चलो छोटा अमाउंट है, चलो इस चीज का कुछ खरीद लेते हैं, चलो आंखों के सामने बार बार उस पैसे को देखूंगी और ऐसा लगेगा कि चलो इसका कुछ खरीद लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ ये लेकर। तो जब ये अमाउंट बड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा और छोटे छोटे अमाउंट जब आप अपने पास नहीं रखेंगे, कहीं और जगह पे रहेंगे, तो वो आपको खर्च करने का भी मन नहीं करेगा, सिर्फ मन नहीं करेगा, आप मतलब भूल भी जाएंगे कि मैं हाँ कहीं पे मैं सेविंग्स कर रही हूँ, इतना आपका ध्यान में नहीं रहेगा। तो इसलिए इस ऐप को इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब इनका ये दोनों चीज ही है, आपको लोन दे भी सकता है और आप वहां पे सेविंग्स भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऐप आपके लिए काम आ सकते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक जो है वो मैं दे दूंगी, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप डाउनलोड करते हैं तो मुझे जरूर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में कि इस ऐप को आप किस वजह से डाउनलोड किया है, क्या लोन लेने के लिए या सेविंग्स करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जैसे अभी तक मुझे लोन की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं जैसे इस ऐप को यूज करती हूँ सेविंग्स के लिए, तो इस तरह से मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो किस वजह से डाउनलोड करें, कितने सारे अननेसेसरी ऐप तो ऐसे ही रह जाते हैं मोबाइल पे जो हम डिलीट भी नहीं करते, शायद उसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए पर वो भी नहीं करते। पर ऐसे जरूरत का एक चीज मुझे लगता है हमेशा हमारे मोबाइल पे होना चाहिए, जब भी हम चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। काम करते करते थोड़ा सा सो गई थी उस रूम में, कंप्यूटर के सामने जब काम करती हूँ ना तो आँखों में इतना वो भारी पड़ता है कि बहुत नींद आई थी और मैं बेड में जाके सो गई। कुछ भी अगर मैं खाना खाती तो उसके कुछ देर बाद मैं पानी पीती हूँ, तो तब तक जब तक मैं पानी पीऊँ तब तक मैं जाके सो भी गई थी। तो अभी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, ऐसे ही पानी पीने से अच्छा है कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँ उसके बाद पी लूँ। वो काम करके चले गए और उसके बाद मुझे कुछ ठीक भी मैंने नहीं किया, ये मैन वगैरह सब कुछ बिछाना पड़ेगा। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे वीडियो पब्लिश करने में लेट हो जाता है। मैं ऐसे 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 कर करके मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ, या तो मैं रात को करके रखती हूँ और दो एक वीडियो और भी रह जाता है छोटे छोटे कुछ वीडियोज़ दो तीन चैनल्स के लिए, तो वो मैं कुछ सुबह भी करती हूँ। तो इतने तक काम करती हूँ तो सुबह जब फिर से काम करने बैठती हूँ तो ऐसे नींद आ जाती है, तो क्या करूँ। इसलिए मुझे दो तीन बार वीडियो बनाने के बाद भी पब्लिश करने से पहले मुझे दो तीन बार इस तरह से चेक करना पड़ता है। सारे बर्तन हैं पीछे धुल गए हैं, अभी उसे अरेंज करना है। क्लाउड रहता है ना आजकल, कुछ भी दिखाई नहीं देता।
इतना ज़्यादा क्लाउड रहता है बाहर, कौन बोलेगा कि अभी 11:30 बज चुके हैं। जबकि आपके साथ बात करते हुए और जो पानी मैं पी रही थी वो करते हुए मैं अपना वीडियो एडिटिंग शुरू किया था, उसके बाद गई जाके नहा धोने के बाद फिर से किया, तब भी मेरा वीडियो एडिटिंग खत्म नहीं हो रहा था, बार बार हैंग कर रहा था, प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने पूरा कंप्यूटर को शट डाउन किया और उसके बाद ऑन करके फिर मैंने पूरा वीडियो एडिट किया, फिर वीडियो मैंने लाइव किया और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और आप लोगों के जस्ट कमेंट्स पढ़ रही हूँ। और जाओ 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 जल रखी है ऑस्कर, अभी जस्ट आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ऑस्कर आखिर मुद्दा है ना, और अभी जाके लंच करूँगी। आज मैं बनाऊँगी वही मूंग दाल की डोसा, ग्रीन कलर का, तो इसमें बहुत सारे मसाले, एक मिनट से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो इसमें एक्चुअली पड़ता है बहुत सारे मसाले और इसके साथ थोड़ा सा राइस फ्लावर भी मैंने ऐड किया है ताकि ये टूट ना जाए, अच्छे से इसका डोसा टाइप बने। और ये मैं कर्ड के साथ लूँगी, चटनी के साथ लेना अच्छा रहता है, पर अभी चटनी कौन बनाएगा, चटनी और सॉस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और रेडीमेड चटनी है नहीं घर में। ये रहा दाल आर्यन के लिए, आर्यन अगर ये खाना चाहे तो ये खा सकता है, वरना आर्यन के लिए दाल है ऑलरेडी। चीज़ अगर आपको रेडी है ना, मतलब जब भी आपके पास टाइम हो थोड़ा बहुत, तो ये सारी चीज़ें आप अगर थोड़ा सा बना के रखते हो, किचन के चीज़ें, बच्चों को अगर भूख लगे तो अचानक से इंस्टेंटली आप बना के दो, तो भी अगर भूख लगे, अगर आप टीवी देख रहे हो या अगर आप यूट्यूब में कुछ देख रहे हो तो कभी कभी मन करता है कि कुछ खाएं या ऐसा कुछ, तो बाहर का खाना ना खा के हम घर का भी ऐसा कुछ चीज़ें खा सकते, अच्छा लगता है। या मूंग दाल के पकौड़े, वैसे पकौड़े तो डीप फ्राई होता है, पर ऐसे जो डोसा टाइप्स या पैनकेक चीला टाइप्स जो चीज़ें होते हैं वो कम ऑयल में भी फ्राई हो जाते हैं, और अगर ऐसे एक नॉनस्टिक कुछ पैन हो तो। तैयार और भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मन से मैं खाऊंगी। और ये जो एक छोटा बच्चा है ये सामने बैठा है, और मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया है, उसे अभी आने में थोड़ा सा टाइम है। तो ये रहा एक फुल बोल ऑफ कर्ड रायता के रूप में, और ये रहा एक चिल्ला, और खाने को वॉकर ने चिल्ला ना बाबू, तो और चुक्कर करे ना पेपर रोल सोसाइटी लोकल रेस्टोरेंट, तो तुम्हें तुले नहीं गए पिटी देवे। बहुत बोर लग रहा था और काम भी लगभग हो चुका था, एक मिनट, तो मैंने एक मूवी लगाई है, एक्चुअली मूवी का नाम भी ठीक ठाक से नहीं देखा, पर ये एक लड़की है जो कि शायद मेन करेक्टर में है, वो गंजा है, गंजी है सॉरी, तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि ज़रूर इसमें कोई नया ट्विस्ट कुछ वगैरह होगा। आर्यन चले आए तो आर्यन के लिए भी बना रही हूँ मैं मैगी, और जब मैं एक्चुअली आर्यन के लिए जब मैगी बना रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों एक्चुअली मुझे मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैगी बनाते टाइम अभी जैसे कि लग रहा है कि एक मैं खुद के लिए भी बना लूँ। मैं माइक्रोवेव में वैसे मैगी बनाती हूँ और एक ऑमलेट, एक भुर्जी बना लूँगी, एक भुर्जी के साथ मैगी बना के दूंगी। अभी मेरा हालत क्या है पता है कि कुछ भी तो नहीं खा पा रही हूँ ना, मतलब कुछ भी नहीं खा रही, और जो भी घर का बना हुआ सीधा साधा खाना खा रही हूँ सिंपल सा, वो भी आधा पेट खा रही हूँ, तो मेरे लिए भी सभी एक समान है, मतलब सभी मुझे अच्छा लगने लगा है कि हर एक चीज़ ही बहुत टेस्टी है। बस मिथुन आने के बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कहीं बाहर रेस्टोरेंट जाके जापानीज फूड थाई ये सब काफ़ी हेल्दी होता है, मतलब इतना जो जिस वजह से मैं ऐसे डाइट मेंटेन कर रही हूँ वो सारी चीज़ इतना इंक्रीज नहीं होता, फैट वैट इतना नहीं होता, उसमें प्रॉपर सारे चीज़ें मेंटेन किया जाता है, तो सुशी वगैरह, तो वैसे सुशी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मिथुन के साथ बाहर जाए इस वीकेंड पे, थोड़ा सा कुछ अच्छा कुछ खा ले, मतलब तो घर का ये खाना खा कर मैं बोर हो चुकी हूँ, पर कुछ कर नहीं सकते, घर में सारी चीज़ें चिकन है, चिकन के साथ कितने सारे डिशेज ना जाने मैं बना सकती हूँ, पर कुछ भी बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वही चीज़ कि ऑयल घी जब जाएगा तो मेरा डाइट का कोई मतलब नहीं रहेगा, इतना मेहनत
अभी मैं 1 घंटे वर्कआउट कर रही हूँ, पहले मैं 2 घंटे करती थी, अभी 1 घंटे कर रही हूँ, इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो हरियन का ये हो जाए, मैं पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद ये छोटे छोटे पीसेस करती हूँ और इसे डाल देती हूँ। फिर से मैं 1 या 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ, ये दे देती हूँ। पर ये गलत मैंने बोल लिया है, ऐसे बोल चाहिए जो नीचे की तरफ से फ्लैट हो, गलत बोल लिया है, कोई बात नहीं, मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगी। ये हो जाए और इस तरह मैं बना लेती हूँ 1 भुर्जी। छोजा का मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं खुद का तो लंच हो चुका है, तो अभी जब भी कोई खाना खाते हैं तो ये बस छोजा बोचा बच्चा की तरह बिल्कुल उसके सामने से खड़ा रहता है, छोजा मुझे बच्चा मेरा मेरा छोजा मुझे मेरा छोजा मुझे बच्चा, गाल टीपे देवे एकदम, गाल टा टीपे देवे रखम करे। तो दादा भाई खा रहे क्या अभी मैगी? मैगी खूब भालो चले बाबू, हमारे तो देखे ही दारुण लगे, मुँह में पानी आ गया। ना ना एखन खाबो ना, आज मैं शाम को वैसे सेम इसी तरह से मैं मैगी खाने वाली हूँ, मुझे अभी बहुत मन कर रहा है मैगी खाने का, पर अभी पेट थोड़ा सा भरा हुआ है तो अभी नहीं खाऊंगी। बाबा तुम एक तो मैगी खाबे खाबे, एक मैगी चाहिए तुम्हें। ओ बाबा तुम्हारा तो टंग हमेशा निकलने रहता है, तो पता नहीं चलता कि तुम खाना चाहिए इस वजह से टंग बाहर निकल आया या तुम्हारे स्वभाव की वजह से टंग बाहर निकल आया। धुतु धुतु तो आर्यन पढ़ाई कर रहे हैं और ये सारी सब्जी मैंने आज मंगवा ली है क्योंकि कल मिथुन आ रहे हैं, मिथुन आने के बाद ही जैसे बाजार करना वगैरह, मिथुन थोड़ा सा तो रेस्ट ले, तो पहले से मंगवा के रखी है क्योंकि कल रन्ना बोलने जा रही थी, तो क्योंकि कल खाना भी बनाना है। और ये रहा चोर ऑस्कर जो कि चोर की तरह रहता है बदमाशी करने के बाद, और अभी मैं पीऊँगी कॉफ़ी, कॉफ़ी या तो चाय, नहीं कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि उसे भी ख़त्म करना उसने बोला था ना, वरना एक्सपायरी डेट आ जाएगा, वो बहुत पहले लिया था अभी तक वो हम पी नहीं रहे थे ज़्यादातर। आज मैं डिनर में 1 मैगी खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत मन कर रहा है मुझे मैगी खाने का, थोड़ा सा वेजिटेबल डाल के एक को भुर्जी बना के आज आर्यन को दिया था ना, तो उससे बहुत मन किया था, तो आज मैं सोचा कोई डिनर में मैगी बना लूँ। एक तो अभी डिनर कर रहे हैं और एक अभी स्वयंभाव है, तो एक अभी कर रहे हैं डिनर। डिनर तो भाव और एक अभी कर रहे हैं, सॉरी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे सोए हुए हैं और मूवी देख रहे हैं कि कोसा वो इसलिए थोड़ा सा हेवी पड़ गया था। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे मेरा डिनर, आज मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था तो वेजिटेबल और एक के साथ मैंने मैगी बनाई है। मैगी खाते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैगी खा रही हूँ, पर जो चीज़ आप ना खाए मतलब पसंद हो या ना हो, जो चीज़ हम ना खाए वो चीज़ बहुत दिनों बाद कभी कभार खाने में बहुत मज़ा आता है।
आ गए हैं मिथुन, अभी बेल बजेगा। क्या ना करूं, ये ऑस्कर की वजह से मिथुन को देखने के बाद वो जो कर रहा है, अगर वो अब देखिए कितने दिनों बाद डारा को देख के वो अभी क्या करेगा, इसका कुछ ठिकाना नहीं। और लेस का किनारा चिका, ऑस्कर बस होएगा चौने को होएगा छे, ये बार तो डारा के बारे तो रेस्ट नहीं थे। तो आप लोग इतने दिनों से मिथुन को जब मिस कर रहे थे तो ये आज लाइव भी आया था इंस्टा में। इंस्टा में लाइव आया कि कल से आएंगे आप लोगों के लिए। वाह, मैं इंस्टा पे वैसे नहीं थी एक्चुअली। और आज मिथुन ने जो किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फ्लाइट आज जो लेट था वो मुझे नहीं बताया, क्योंकि मिथुन लास्ट मुझे कॉल किए थे कोलकाता एयरपोर्ट से, और उसके बाद तब बिल्कुल सब ठीक ठाक था। 2:30 बजे मिथुन को यहाँ पे आ जाना चाहिए था। मिथुन के टाइम के हिसाब से हाथ में था बोर्डिंग पास, और उसको देख देख के बोल रहे थे मैं तो 2 से 2:30 बजे के अंदर पहुंच ही जाऊंगा। बस ठीक है, अब पहुंच जाओगे तो मैं इंतजार करती रही, क्योंकि मेरा जो काम, मैं अपना मतलब 2:30 बजे तक मैं वैसे भी काम करती हूँ रात में, तो मैं ऐसे काम करती रही, मुझे कोई नींद भी कुछ नहीं आया था। मिथुन के मोबाइल का जो बैटरी है वो खत्म हो चुका था, मोबाइल ऑफ हो गया, और फ्लाइट लेट था 1 से 1.5 घंटे, मुझे कुछ भी अपडेट नहीं दिया। मैं वेट करती रही, घड़ी देखती रही कि कितना टाइम हुआ है, अभी मिथुन आ नहीं रहा है फोन, और उसके बाद जब मैंने फोन किया फोन ऑफ है। अभी आप सोचो मतलब मैं फ्लाइट में था 2:30 बजे, तुम हाँ 2:30 बजे फिर तुम फ्लाइट में होगे, पर स्टिल जब तुम्हारे मोबाइल पे चार्ज नहीं था, जब तुमने जाना कि वो डिले है तो एक बार तो कम से कम मुझे फोन करना चाहिए था। वो पावर बैंक का क्या हुआ जो लेके गए थे? पावर बैंक का भी चार्ज नहीं था। पावर बैंक लेके गए थे क्योंकि ऐसे इमरजेंसी पे जो काम आ जाए, वो पावर बैंक में भी चार्ज नहीं था। सुनो बात, मैं उसके बाद मैं एडिटिंग का भाई काम कर रही थी एक्चुअली, तो काम क्या करूं, मुझे डर से मतलब मैं ऐसे कांप रही हूं, और इतने रात को अकेले आने वाले है, इतना दूर मतलब डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो हर किसी को डर लगेगा। मेरा जो हालत था वो ब्लॉगिंग में तो दूर की बात है, मैं मतलब वो सब भूल के मतलब वहां पे खड़ी हुई थी कि बैल्कनी पे कि क्या करूं, आएंगे, ये आया वो आया, और पूरे रात सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसे आते रहते, हर बार मैं सोच रही हूँ मिथुन आ रहे। उसके बाद फाइनली मैंने देखा कि ऐसे केड़ा करके क्या को खड़ा किया ना, उस बार भी मैंने सोचा शायद कोई और होंगे तो हर बार ऐसे आ रहे हैं, तो उस बार मैं देख रही हूँ कि मिथुन आ रहे हैं, वो भी लाल जैकेट के साथ। कोई फोन कॉल नहीं है, कुछ नहीं है, अभी बजे है 4:15 बजे, और अभी आए मिथुन। क्या क्या मैंने सोच लिया था मतलब आपको मैं बोल के समझा नहीं पाऊंगी, ऐसे हालत में इतने रात को मिथुन का कहना है तुम तो सो गए, मैं मुझे तो लगा तुम सो गए तो आप देखे क्या फायदा, मैं जाऊंगा उस टाइम तो तुम देखोगे ही ना। कभी कभार थोड़ा थोड़ा टेंशन लेना चाहिए ना, टेंशन ऐसे चीजों पे प्लीज टेंशन लेना नहीं चाहिए। मेरी बात तो ठीक है, मतलब इतने रात को अकेले आओगे देखते क्यों हमें बड़ी थी मैं मुझे आठ में चले अच्छे हो ये बड़ा अच्छा हो गया। चलिए आज पूरी रात मतलब यहाँ तक मैंने वेट की सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में, मैं चाहती थी कि मिथुन को भी आपको मैं दिखाऊँ, तो मिथुन अभी बहुत ज़्यादा थक चुका है तो वो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और कल थोड़ा सा लेट उठो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आर्यन के स्कूल के लिए ये कर दूँगी। मतलब आर्यन को बास तक मिथुन ही छोड़ने जाते हैं, तो मैंने बोला कि आज तुम रेस्ट कर लो, इतना लेट वैसे भी हो चुका है। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ऑब्वियसली मिथुन के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और गुड नाइट क्या बोलना सही रहेगा, 4:30 बजे के गुड नाइट बोलो, गुड मॉर्निंग।